प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे या हम बात कर रहे थे राजस्थान कला संस्कृति के बारे में। और राजस्थान कला संस्कृति में हम पढ़ रहे थे राजस्थान प्रमुख दुर्गों के बारे में। और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में हमने कुछ दुर्ग पढ़ लिए थे। और आज हम बात करते हैं राजस्थान के मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो दुर्ग है वो एक गिरी दुर्ग की श्रेणी में आता है। इससे पहले हमने पढ़ा चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये सब जो दुर्ग है वो गिरी दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तो देखिए दोस्तों, ये जो दुर्ग है दोस्तों वो है गिरी दुर्ग, जो पंचेतिया या चिड़ियाटूप की पहाड़ी पर बना हुआ है। देखिए दोस्तों, ये आपको मुख्य ध्यान में रखना है कौन सा दुर्ग किस पहाड़ी पे या कौन से पर्वत पे बना हुआ है। इससे पहले हमने देखा चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो मैसा के पठार पर स्थित है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो जरगा पहाड़ी पे बना हुआ है, और जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो चिड़ियाटोंक या पंचेतिया पहाड़ी पर बना हुआ है। अब हम बात करें इसके निर्माण के बारे में दोस्तों। इसका जो निर्माण करवाया गया वो 12 मई 1469 को इस दुर्ग की नींव राव जोधा के द्वारा रखी गई। और एक लोक मान्यता और है इस दुर्ग के बारे में कि ये इस दुर्ग का जो निर्माण है, इस दुर्ग की जो नींव है दोस्तों वो रखी जाती है करणी माता के द्वारा। तो हम बात करें निर्माण के बारे में, तो दोस्तों इस दुर्ग का जो निर्माण कराता है राव जोधा। राव जोधा द्वारा 12 मई 1469 को नींव रखी जाती है। और इस दुर्ग की जो तो नींव रखी जाती है दोस्तों वो रखी जाती है शनिवार के दिन। एक लोक मान्यता के अनुसार करणी माता द्वारा इस दुर्ग की नींव रखी जाती है। ठीक है दोस्त, अब हम बात करें इसका जो आधुनिक निर्माता, इसका जो पुनर्निर्माण करवाया वो कौन से शासक द्वारा करवाया जाता है। तो अब हम बात करते हैं इसका जो आधुनिक निर्माण है वो राव मालदा मालदेव के द्वारा करवाया जाता है। राव मालदेव ने इस दुर्ग के चारों ओर एक प्रकोटे का निर्माण करवाया था। तो हम बात करें आधुनिक निर्माता, देखिए दोस्तों आधुनिक निर्माण करवाया गया राव मालदेव द्वारा। मालदेव ने इस दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। ठीक है दोस्तों, पूछ लिया जाए मेहरानगढ़ दुर्ग के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाने वाला शासक था राव मालदेव। ठीक है दोस्तों, ये हमने बात कर ली निर्माण के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ उपनाम है इस दुर्ग के। देखिए देखिए
इसी दुर्ग को कहा जाता है गढ़ चिंतामणि। मयूर ध्वज गढ़, कागज मुखी दुर्ग, देखिए दोस्तों ये कागज मुखी दुर्ग क्या होता है, ये हमने पहले पार्ट में बात की थी। कागज मुखी दुर्ग वो होता है जो आगे से सकड़ा होता है और पीछे से यू चौड़ाई के आकार में होता है, वो होता है कागज मुखी दुर्ग। तो जो मैरहानगढ़ का दुर्ग है दोस्तों, याद रखना है आपको कि ये कागज मुखी दुर्ग की श्रेणी में आता है, अर्थात ये आगे से सकड़ा है और पीछे से इसका आकार है वो बड़ा है। तो ये हमने बात कर ली इस दुर्ग के कुछ उपनामों के बारे में, ठीक है दोस्तों। और अब इसके बारे में एक मान्यता है या कहावत प्रचलित है कि इस दुर्ग का निर्माण करवाते समय राजा राम मेघवाल या रजिया नाम के मेघवाल व्यक्ति ने अपनी स्वेच्छा से इस दुर्ग में या इस दुर्ग की जो दीवारें थी उसमें चुनवाया गया था ताकि ये दुर्ग है वो अजय रह सके। और ये जो दुर्ग है दोस्तों वो लाल जोधपुरी पत्थरों से निर्मित माना जाता है। आगे हम बात करें इस दुर्ग के भीतर क्या क्या स्थित है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। ये जो दुर्ग है दोस्तों कुछ इस आकार में स्थित है, इसका आगे का भाग है वो सकड़ा है और पीछे का भाग है वो है चौड़ा। देखिए ये है मुख्य प्रवेश द्वार जो है लोहा बोल, बिल्कुल आप लोग साथ साथ समझते रहिए। आप लोग इसके जैसे सुटेबल नोट्स भी बना सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों लोहा पोल, ये जो लोहा पोल है वो इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार कहलाता है, मुख्य प्रवेश द्वार। और यहीं पे सतियों की हथेलियों के 31 निशान है, सतियों की हथेलियों के 31 निशान। ये 31 हथेलियों के निशान यहां पे है। अब हम बात करें यहीं पे इसी दुर्ग में एक मंदिर बना हुआ है, और इस मंदिर का नाम है दोस्तों चामुंडा माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, यहां बना हुआ है चामुंडा माता का मंदिर जो मारवाड़ के राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। इसी के पास में एक और मंदिर बना हुआ है दोस्तों, यह है नागनेची माता का मंदिर।
नागने की माता है, वो राठौड़ वंश की या मारवाड़ के जो राठौड़ शासक है उनकी कुल देवी कहलाती है। चामुंडा माता है दोस्तों, वो राठौड़ वंश की आराध्य देवी कहलाती है। अब हम बात करें इसी दुर्ग के भीतर एक छतरी बनी हुई है जिसका नाम है मामा बांजा की छतरी। ठीक है दोस्तों, यहीं पे बनी हुई है शेर शाह सूरी की मस्जिद। राव मालदेव और शेरशाह के मध्य युद्ध होता है, गिरी सुमेल युद्ध, और उस समय शेरशाह यहां अपने नाम से एक मस्जिद बनवाते हैं, शेरशाह सूरी की मस्जिद। अब हम बात करें दोस्तों, इसी दुर्ग के भीतर यहां एक संग्रहालय चलता है, या इसी दुर्ग में एक संग्रहालय चलता है संग्रहालय का नाम है मान प्रकाश संग्रहालय। यह मान प्रकाश पुस्तकालय ये जो मान प्रकाश पुस्तकालय है दोस्तों, ये मानसिंह द्वारा बनवाया गया था, महाराणा मान सिंह द्वारा बनवाया गया था मान प्रकाश पुस्तकालय, और ये अभी भी इसी दुर्ग में चलता है। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो यहां कुछ महल बने हुए हैं जिनमें है चोखेलाब महल, मोती महल, फूल महल। ये कुछ प्रमुख यहां के महल हो जाते हैं। आगे हम बात करें, यहां पे एक मस्जिद बनी हुई है और इस मस्जिद का नाम है दोस्तों बुरेखा की मजार। बुरेखा की मजार, ठीक है दोस्तों, यहां मजार बनी हुई है, वो है बुरेखा की मजार। आपको याद रखना है दोस्तों, बुरेखा की मजार किस दुर्ग के भीतर स्थित है, तो वो दुर्ग है मेहरानगढ़ दुर्ग, बुरेखा की मजार। यहां पे बनी हुई है श्रृंगार चौकी, इसी दुर्ग के भीतर है श्रृंगार चौकी। देखिए दोस्तों, श्रृंगार जो चौकी है वो हमने पढ़ा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के भीतर, ये जो श्रृंगार चौकी है वो है मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर, और इसका जो निर्माण करवाया गया वो करवाया गया महाराजा तख्त सिंह द्वारा, महाराजा तख्त सिंह द्वारा। अब हम बात करें, इसी दुर्ग के भीतर कुछ तोबे रखे हुई है, यहां इसी दुर्ग में कुछ तोबे स्थित है, तो अब हम बात करते हैं तोबों के बारे में, प्रमुख तोबे। इनमें है कड़क बिजली तोप, कड़क बिजली तो शंभु बाण तो बिच्छू बाण तो एक है गजनी तो ठीक है दोस्तों, इस प्रकार इस दुर्ग के भीतर ये कुछ तोबे हो जाती है।
एक तो इसमें और है जिसका नाम है किल किला तोप। किल किला तोप, ठीक है दोस्त। तो ये हमने पढ़ा मेघानगर दुर्ग, इसके बारे में अवस्थित मुख्य जो चीजें हैं। अब इस दुर्ग के बारे में दोस्तों एक कहावत प्रचलित है जो रुडियार्ड किपलिंग ने लिखा है कि ये जो दुर्ग है वो परिस्थितियों द्वारा बनाया गया है, अर्थात इस दुर्ग का जो निर्माण है वो देवी देवताओं का सहयोग माना जाता है। तो अब हम बात करें खतन के बारे में। देखिए दोस्तों कथन वो है रुडियार्ड किपलिंग का। और ये रुडियार्ड किपलिंग इस दुर्ग के बारे में क्या लिखते हैं? इस दुर्ग का निर्माण फरिश्तों अर्थात देवी देवताओं की देन है, ठीक है दोस्तों। रुडियार्ड किपलिंग है वो इसके बारे में क्या लिखते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण है वो फरिश्तों की देन है, अर्थात इस दुर्ग को फरिश्तों या देवी देवताओं द्वारा बनवाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना होता है मेहरानगढ़ दुर्ग। धन्यवाद दोस्तों।